नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत को अपने अनोखे इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब इतिहास की बात आती है तो राजस्थान और राजस्थान के किलों का अपना एक अलग ही महत्व दिखाई देता है। आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे अनोखे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ से पूरा पाकिस्तान देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले के बारे में। इससे जुड़े रहस्य अपने आप में अनोखे हैं। लेकिन दोस्तों, इस किले के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है, जिसे भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। इस किले की दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली है। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इसके परकोट में दुर्गम रास्तों वाले 7 अनरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। 8 द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इस किले के 7 ही द्वार हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका 8वां द्वार भी है, जो रहस्यमय है। किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगवाई गई थीं। इस किले के अंदर भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दीवारें और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खान और दौलत खान की बेहद खास हैं। किले के पास चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। राव जोधा को चामुंडा माता पर अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा माता जोधपुर के शासकों की कुल देवी रही हैं। राव जोधा ने 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था और मूर्ति की स्थापना की। माना जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था। माना जाता है कि इस दौरान माता की कृपा से यहां के लोगों का बाल भी बाकर नहीं हुआ था। नवरात्रि के दिनों यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मेहरानगढ़ किले के बनाने की कहानी कुछ इस तरह की है कि राव जोधा जब जोधपुर के 5वें शासक बने, उनके एक साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने की सोची। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि राव जोधा ने 1459 में इस किले की नींव रखी थी। इस किले की दीवारों पर रखे भीमकाय तोपों से आसपास का 6 किलोमीटर का भूभाग सुरक्षित रखा जाता था। किले के दूसरे दरवाजों पर आज भी पिछले युद्धों के दौरान बने तोपों के गोले के निशान मौजूद हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर आज भी सिंदूर का घोल और चांदी की पतली वरक से बने हथेलियों के निशान पर्यटकों को उन राजकुमारियों और रानियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने पतियों के लिए जौहर या आत्मदाह किया था। मेहरानगढ़ किले में लगे आकर्षक बलुआ पत्थर और जोधपुर की कारीगरी शानदार शिल्पकारी का प्रदर्शन करते हैं। मेहरानगढ़ किले में भव्य महल भी है। इसमें श्रीनगर चैकी नाम का जोधपुर का सिंहासन भी है। फूल महल की छत पर सोने का महीन काम किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ रंग महल और चंदन महल भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये किला कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियो ला सकें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।